आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर ये मिडिल स्कूल है, ये स्कूल कम बिल्डिंग से ये स्कूल कम गाँवखाना ज़्यादा लगता है। 12 साल पहले ये स्कूल यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन अभी तक न स्कूल के पास अपनी बिल्डिंग है, न बच्चों के पास वर्दियाँ हैं और ना ही प्रॉपर स्टाफ है। जी यहाँ तो पहले एक बिल्डिंग नहीं है, दूसरा स्टाफ नहीं है, और उसके बाद क्या हुआ कि ये स्कूल अपग्रेड हुआ था 2012 में। तो 2012 में जब अपग्रेड हुआ तो फिर यहाँ पे दो टीचर रिक्रूट हुए थे मैथ्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम से। तो तब से ये वो पैनल भी ऐसे ही हैं क्या, न जाने किस वजह से उनके आर्डर नहीं अभी तक हुए। तो यहाँ पे एक टीचर था मेरे साथ, तो उसको यहाँ से लिया गया, तो फिर मैं अकेला पढ़ गया था 2009 में। फिर मैंने बड़ी कोशिश से, यहाँ के VCB मेंबर्स भी आए जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे, तो बड़ी मुश्किल से इस टीचर को हमने यहाँ पे लाया। तो तब से हम यहाँ पे दो टीचर हैं। तो यहाँ पे मतलब ये है कि स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, अगर ये स्कूल की बिल्डिंग हमने खुद ही ली है एक यहाँ के पड़ोसी से, अगर ये हमें निकाल दे ये स्कूल वाला, तो हम फिर हमें या तो टेंट लगाना पड़ेगा, फिलहाल तो हमारे पास टेंट भी नहीं है, तो वो हम कहाँ से लगाएंगे। तो ये है कि हम सीधे मतलब बाहर बैठना पड़ेगा हमें। तो अभी स्कूल की मतलब लैंड जो है वो भी अवेलेबल है, वो भी हमने अवेलेबल की हुई है, लेकिन पिछले साल उसके हमने कागजात वगैरह ऑफिस में सबमिट किए थे, तब से कह रहे हैं कि पैसे वैसे नहीं है, तो अभी स्कूल का कोई पैसा नहीं आया, बिल्डिंग का काम अभी नहीं लगा। 8 क्लासेज हैं, हम दो टीचर कितने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल है यहाँ पे, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं जी। मिड डे मील तो मिलता था, गर्मियों के 2 महीने मिले, मई और जून कंप्लीट 2 महीने दिए, तो उसके बाद अभी एक कूपन आया था, तो हमें चावल नहीं मिले, तो वो कूपन हमने वापस कर दिया था जून में। सबसे पहले स्कूल में जो है स्टाफ की कमी है, क्योंकि बच्चे काफ़ी हैं लेकिन स्टाफ कुछ भी नहीं है। इस बारे में हमने ZTO को भी मुतला किया था और CO को भी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। इसलिए दूसरे रहा कि बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग तो अभी है ही नहीं है स्कूल। तालीमी कैरियर जो हमारे बच्चों का है वो बिल्कुल ख़राब हो रहा है। हमारे बच्चे जितने भी हैं वो मतलब ये चीज़ें निकलते हैं घर से किताबें लेकर, वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं, और दिन ब दिन हमारे बच्चे पीछे ही जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी सहूलियात रखी थी स्कूल के लिए, लेकिन हमारा ये जो गांव है, इसमें हमारे इस गांव के अंदर जितने भी स्कूल हैं, हाई स्कूल है उसमें भी स्टाफ की कमी है, और 4 मिडिल स्कूल हैं उसमें भी स्टाफ की कमी है, KGV भी एक स्कूल है उसमें भी स्टाफ की कमी है। हमें हर तरीके से समझो गवर्नमेंट की तरफ से मार मिल रही है। हम गवर्नमेंट से इस्तदा कर रहे हैं कि इन बच्चों के हालत ज़ार को देख कर, और है भी ये दूर दराज इलाका है, तो कम अज़ कम हमारे बच्चों को तालीमी जेवर से आरास्ता करने की कुछ न कुछ इकदाम किए जाएँ, स्टाफ भेजा जाए, जहाँ बिल्डिंग नहीं है उसके लिए कुछ इकदाम किया जाए, ताकि हम भी आगे निकलें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल हमारा जो है उसका रोशन हो जाए। मार्च कैसे करेंगे, यहाँ से कोई 3 किलोमीटर पर है दूसरा स्कूल, बच्चे छोटे हैं, और हमारे इस गाँव के अंदर फसल जो है इस वक्त वो तैयार है या कुछ लोगों ने काटा है, रीछ अलग है, कुत्ते अलग हैं, बच्चे यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, वो तो नहीं जा सकते हैं उस स्कूल में। एक स्कूल को दूसरे स्कूल में एग्जाम किया जाए वो 3 किलोमीटर की दूरी पे वाका है, मतलब फिर आप अपने बच्चों को भेज नहीं पाएंगे वहाँ पे? नहीं नहीं, भेज फिर तो हमें बेहतर है, फिर गाड़ी में रहेंगे हमारे बच्चे। हालांकि गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हम हर जगह जहाँ कहीं भी तालीमी इकदाम उठाएंगे, जहाँ जिस बस्ती में स्कूल नहीं स्कूल देंगे, और जिस जगह स्कूल है उसमें स्टाफ का पूरा किया जाएगा, लेकिन कहीं नहीं मिला। जहाँ आज जदीद दौर में दुनिया भर के बच्चे नई नई इनोवेशंस करके अपने टैलेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, वहीं कश्मीर के देहात में ऐसे स्कूली बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाकिस कारकर्दगी की वजह से ऐसे ही बहुत सारे स्कूल सफ़र हो रहे हैं। सरकार ने अब नई पॉलिसी अमलाई है जिसमें वो मर्जर की बात करें, जिसमें आप एक तरह से देखें तो हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ से इनको दूसरे स्कूल में मुंतकिल करने की बात कर रहे हैं, दूसरे हाई स्कूल के साथ मर्ज करने की बात कर रहे हैं, जहाँ तक ये जा नहीं सकते। हम आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप CEO अनंतनाग को कॉल करके उन पर दबाव बनाएं, ताकि इस स्कूल को एक बच्चों को पढ़ाने लायक बिल्डिंग मिल सके। कश्मीर के दंदीपोरा इलाके से मैं शफात मीर, कश्मीरा।